विदेशी फौज नहीं भेजेंगे, जिन लोगों ने फौज भेजी तो विदेश नीति से जो दशा हुई है उसके लिए किसी एक पार्टी को जिम्मेवार ठहराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं इनके माननीय नेता लोग सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। और आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने चीन को आपने वॉकओवर दिया, आप इंतजार करते रहे कि ये तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू है, धर्म है, हमारा हजारों वर्ष से संबंध है और वहाँ भी दिमाग देख के आए हैं, सब सड़कें उन्होंने बना दी, ट्रेन बनाने जा रहे हैं, ये इस इंतजार में हम इनको मजबूर कर देंगे कि बिजली ये प्रोड्यूस करेंगे तो हम ही इनको के पास जाऊँ। आपसे सवाल बनता है यहाँ पर, जो बात दिबांग और शेष नारायण जी कह रहे हैं कि आप लोगों की जो सरकार 10 साल तक रही, आप लोगों ने उस गंभीरता से नहीं लिया नेपाल को एक पड़ोसी के तौर पर जिस तरह चीन ने लिया, और अब चीन ने वहाँ कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना करीब वो नेपाल के आ गया है ये सब जानते हैं भारत। मैं वही कह रहा था नेहा कि नेपाल एक बफर स्टेट, ये क्या है, आप नेपाल को बफर स्टेट कब तक मानेंगे भाई? अरे नेपाल इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है, प्लीज नेपाल की अवमानना आप बफर स्टेट से कैसे कह देंगे भाई? नहीं नहीं ये नहीं है, इसी में सब गड़बड़ हुआ है। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि हम नेपाल को देते हैं, हम नेपाल को क्या दे रहे हैं, नेपाल को हम कैसे मजबूत कर रहे हैं, प्रश्न ये है। हम अगर नेपाल गए हैं तो नेपाल की अपेक्षाएं हमसे हैं, हम नेपाल के रिश्ते हमसे हैं, हम नेपाल को कितनी मजबूती दे रहे हैं ये वहाँ क्या नहीं है। आज भारत का प्रधानमंत्री गए हैं, आज भारत का प्रधानमंत्री मेरी बात कंप्लीट हो रही है। और